बॉलीवुड के बैड बॉय सलमान खान ने फिर खो दिया अपना आपा और इस बार उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा एक जर्नलिस्ट फोटोग्राफर को, जिसने जब सलमान की कुछ फोटोज लेने की कोशिश की तो उस पर खूब भड़के सलमान। सलमान का यही गुस्सा है आज की हमारी किटकैट ब्रेकिंग न्यूज। साइकिल पर सलमान खान। सलमान की इन्हीं तस्वीरों ने खड़ा कर दिया है एक नया बखेड़ा। इन तस्वीरों में सलमान किसी सीधे साधे शख्स की तरह साइकिल चलाते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में ऐसा क्या है खास जिससे खड़ा हो गया है नया बखेड़ा? बखेड़ा सलमान की एक नई धमकी का, जो उन्होंने दी है पूरी मीडिया को। जी, इन तस्वीरों में जरूर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए, लेकिन इन तस्वीरों को लेने वाले ने जरूर ले लिया है सलमान से पंगा। दरअसल सलमान की ये तस्वीरें हैं सबसे लेटेस्ट, कुछ दो चार दिन पुरानी। इन तस्वीरों में साइकिल चलाते सलमान के पीछे जो एरिया नजर आ रहा है वो है मुंबई के पेडर रोड का। पेडर रोड पर साइकिल चलाते सलमान पर अचानक पड़ी हिंदुस्तान टाइम्स के फोटोग्राफर कुणाल पाटिल की नजर। एकदम फिट अंदाज में साइकिल चलाते सलमान को दुनिया की नजरों तक पहुंचाने के लिए कुणाल ने चालू कर दिया अपना कैमरा। सलमान को दूर से साइकिल चलाते हुए कुणाल ने अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया। सलमान करीब आते जा रहे थे और कैमरा सलमान को लगातार कैद कर रहा था। साइकिल चलाते हुए सलमान कुणाल के करीब आए और जैसे ही सलमान ने ये देखा कि कोई उन्हें अपने कैमरे में कैद करने की गुस्ताखी कर रहा है, सलमान को आ गया गुस्सा। वो साइकिल से उतरे, कुणाल के करीब आए और फिर उन्होंने कुणाल को कैसे धमकाया, आप खुद कुणाल से ही सुन लीजिए। सलमान खान पास में आए मेरे, तो साइकिल उसने रोकी और सीधा मेरे आंख के ऊपर आया मारने के लिए, पर उसने मुझे हाथ नहीं लगाया और गाली गलौज देना चालू कर दिया कि आपने फोटो क्यों निकाले। मेरे कैमरा भी छीन लिया और कैमरा भी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसने तोड़ा नहीं कैमरा। और बाद में उसके बॉडीगार्ड्स, मेरे तीन बॉडीगार्ड्स उसके पीछे थे और दो उसके पीछे थे, और सलमान खान ने मुझे घेर लिया था और तभी उसने कैमरा छीन के अब मेरे से छीन लिया कैमरा और उसके बॉडीगार्ड्स को दे दिया और बोलने लगा कि ये डिलीट कर दो। सलमान ने ना सिर्फ कुणाल को पीटने की धमकी दी बल्कि ये भी कहा कि एक दिन वो पूरी मीडिया को जमकर पीटेंगे। बोला कि मीडिया को तो मारना चाहिए और जिस दिन मैं मीडिया को मारूंगा ना, तब तू उधर रह मत, नहीं तो तू बहुत बुरी तरह से पिट जाएगा। सलमान के करीब 6 बॉडीगार्ड्स ने सलमान समेत इस फोटोग्राफर को घेर लिया, कुणाल से कैमरा छीना और तस्वीरों को डिलीट करने की कोशिश भी की। तभी वहां पर एक और फोटोग्राफर आ गया, उसके हाथ में एक और कैमरा देख सलमान समझ गए मौके की नजाकत को और मीडिया की ताकत को। दूसरा फोटोग्राफर कहीं सलमान को फोटो डिलीट करते और कुणाल को बॉडीगार्ड्स के साथ धमकाते हुए अंदाज में फोटो न खींच ले, इसलिए सलमान ने कुणाल का कैमरा वापस कर दिया। फिर भी जाते जाते कुणाल को धमकाना नहीं भूले। वैसे सलमान तो कैमरों के सामने भी लोगों को धमकाने में पीछे नहीं रहते। आप भूले नहीं होंगे अमृता अरोड़ा की शादी का वो नजारा जिसमें शाहरुख के बारे में सवाल करने पर सलमान कैसे मीडिया पर भड़क उठे थे। वैसे सलमान की इस हरकत पर जब हमने सलमान के स्पोक्स पर्सन और प्रोड्यूसर विकास कपूर से सफाई मांगी तो उन्होंने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि सलमान भी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहते। अब सलमान को कौन समझाए कि वो हैं ही इतने बड़े सेलिब्रिटी कि उनकी हर हरकत को कैमरे में कैद करने के लिए मीडिया हमेशा बेताब रहती है। लेकिन जब हमने सलमान से ये सुना कि वो एक दिन पूरी मीडिया को जमकर पीटेंगे, तब हम थोड़ा शॉक्ड हो गए। फकुनाल मांडेकर, Zoom, Mumbai.